कायस्थ विकास परिषद के नव नियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार को एक मैरिज हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य डॉक्टर राजीव सिन्हा ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान चित्रगुप्त के चित्र पर पुष्प अर्पित करके तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर सुनील श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव, सुमित प्रधान, सौरभ श्रीवास्तव, अमरेंद्र श्रीवास्तव, ध्रुव कुमार श्रीवास्तव, चंदन श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपूर्णी से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा, कायस्थ विकास परिषद आदि डॉक्टर अरुण, सभी हमारे अतिथिगण, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कायस्थ विकास परिषद महानगर, आप जिन जिन जिला महानगर मंडल जिसके हो आप उसका बोलो पद के रूप में परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा समर्पित रहूंगा तथा परिषद के संविधान नियमों एवं गौरवशाली परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए सदैव सचेत रहूंगा। मैं यह क्या करता हूँ कि मैं परिषद के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी सदैव चित्रांत परिवारों एवं कायस्थ राजनैतिक जागरूकता अभियान में समर्पण के साथ साथ एकता प्रेम परिषद समाज और राष्ट्र के उत्थान के प्रति समर्पित रहूंगा तथा परिषद की मर्यादा को अक्षुण रखते हुए इसकी बैठकों एवं आयोजनों में उपस्थित रहने की चेष्टा करूंगा। वैद्य राजीव सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ विकास परिषद। कायस्थ विकास परिषद गोरखपुर परिक्षेत्र के नौ नियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में नौ नियुक्त पदाधिकारियों को कायस्थ विकास परिषद के कार्यों के बारे में भी समय चर्चा की गई बृहत रूप से। कायस्थ विकास परिषद सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए पूरे देश में एक अलग जगह रहा है 31 वर्षों से। उसी संदर्भ में हम लोगों ने अपने नव नियुक्त पदाधिकारियों से ये आग्रह किया कि समाज के अंदर जाएं, मतदाता बनाएं, मतदान करने की प्रेरणा दें। कायस्थ विकास परिषद समाज के अंदर राजनीतिक अवसाद जो है उसे समाप्त करने का एक संकल्प लिया है, जिसके लिए निरंतर पूरे देश में कार्य कर रहा है।